हम सुबह 4:30 बजे उठे थे बाथरूम के लिए, फिर दो लोग आए हमारे, एक लोग हमारे मुंह पे दस्ती बांध दिए और एक लोग हमारे आँख पे रुमाल बांध दिए, फिर पकड़ के हमको ले गए गाड़ी से, फिर उसके बाद ट्रेन के पास ले गए, हमको बहुत मारे वो लोग। अच्छा, आप उनको पहचानते हैं क्या नाम? एक लड़का को हमने चीना था, देखा भी था, उसका नाम निहाल था। एक लड़के को नहीं देख पाए क्योंकि वो अंधेरा था हमको। अच्छा, काहे से आपको लेके गए थे? गाड़ी से ले गए थे, बाइक से ले गए थे। 6 महीना का रहे तब से पाले पोसे, हमके भतीजे बहुत कष्ट हो रहा है। मतलब कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ? हाँ, बहुत गलत हुआ हमारे भतीजे के साथ। तो कहीं ना कहीं, अच्छा मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हैं आप लोग? हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं कौन न्याय दिलाए। ऐसे जो लोग हैं उनको क्या होनी चाहिए? उनको बुलडोजर चलना चाहिए, उन लड़कों को फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ। ये लोग इतनी खराब मार दिए कि हम सहन नहीं कर पाए और वहाँ से हम भाग कर आए। जब अपने घर आए तो हमारी बच्ची तड़प रही थी यहाँ पे। हम सरकारी अस्पतालों में गए तो सरकारी अस्पतालों वाले ने कहा कि थाने पर जाओ। थाने पर गए तो फिर वो बोले कि हमारे लेकर जाओ, सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो वहाँ से एक पुलिसकर्मी लेकर गया वहाँ पे, इसका मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद फिर यहाँ पर आए तो फिर इनका लिखा पढ़ी हुआ यहाँ पे थाने पे हुआ। उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोगों को भेज दिया यहाँ घर। हम ये चाहते हैं कि बाबा के सरकार में हम लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, घरों पर साफ कर देना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि किसी माँ बहन बेटी के ऊपर ऐसा अन्याय ना होना चाहिए। वहाँ पे हमको ले गए, बहुत मारे, हम पूरे तरीके से बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद उन्होंने हमारे साथ गलत काम करके हमें ट्रेन के पास लेटा दिया। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि जो है आपका ये 5 उंगली कटा है और कौन आपको लेने गया था? हमें जब ट्रेन की आवाज सुनाई दी, हमारा थोड़ा थोड़ा आँखें खुला, हम अपने आप को बचाने की कोशिश की है, मगर देखा हमारा पैर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। खराब होने के बाद हम वहाँ से ढनक गए नीचे। फिर दो कर्मचारी लोग आए तो हमको उठाए, हम बेहोश हो गए थे। वो लोग हमको उठा के बोले, बेटा तुम कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो? हमको घंटन उन लोगों ने बैठा रखा था। फिर हमने अपना बाबू का नाम लिया तो वो लोग आए हमको घर से ले गए। तो ये जान लीजिए कि आज जो है मैं मौजूद हूँ प्रयागराज जिले में। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है सरकार की तरफ से, मगर घर में जो है हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। कहीं न कहीं जो है उनका शोषण किया जा रहा है, कहीं न कहीं जो है उनका बलात्कार किया जा रहा है। आइए, मैं एक घटना ऐसी है जो आप सुन के जो है हैरान रह जाएंगे कि आज जो है ये घटना किसी बहन के साथ हुई है तो ये कैसी घटना है और क्या हुआ था उस दिन। आज 4 दिन बीत जाने के बाद केवल एक ही अपराधी पकड़ा जाता है। और यहाँ पे बता दूं कि जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, मगर उन पे जो है सख्ती से कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मगर यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर आज जो है हमारी कहीं ना कहीं जो है बहन का कहीं ना कहीं शोषण हुआ है, कहीं ना कहीं इनका जो है ये देखिए आप दिखा सकते हैं कि इनका जो है 5 उंगली जो है पैर की जो है वो भी बलात्कार करने के बाद जो है इनका काट देते हैं ये अपराधी। ऐसे अपराधी कहाँ कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? इनको तो कम से कम फांसी होनी चाहिए, इनके घरों पे तो जो है बुलडोजर चला देनी चाहिए। आइए मैं इनसे पूछूंगा कि क्या हुआ था उस रात को, कहाँ पे ये गई थी और क्या पूरा मामला था। कहाँ गई थी आप? हम सुबह 4:30 बजे उठे थे बाथरूम के लिए, फिर दो लोग आए हमारे, एक लोग हमारे मुंह पे दस्ती बांध दिए और एक लोग हमारे आँख पे रुमाल बांध दिए, फिर पकड़ के हमको ले गए गाड़ी से, फिर उसके बाद ट्रेन के पास ले गए, हमको बहुत मारे वो लोग। अच्छा, आप उनको पहचानते हैं क्या नाम? एक लड़का को हमने चीना था, देखा भी था, उसका नाम निहाल था। एक लड़के को नहीं देख पाए क्योंकि वो अंधेरा था हमको। अच्छा, काहे से आपको लेके गए थे? गाड़ी से ले गए थे, बाइक से ले गए थे। तो क्या आपके घरों पर क्या शोर शराब आप नहीं की? नहीं, हम चिल्ला नहीं पाए। अच्छा, तो आपके साथ क्या कैसे क्या किए?
हम गए वहाँ पे, वहाँ पे हमको ले गए, बहुत मारे, हम पूरे तरीके से बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद उन्होंने हमारे साथ गलत काम करके वही हमें ट्रेन के पास लेटा दिया। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि जो है आपका ये पांच उंगली कटा है, और कौन आपको लेने गया था? हमें जब ट्रेन की आवाज सुनाई दी, हमारा थोड़ा थोड़ा आँखी खुला, हम अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर देखा हमारा पैर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। खराब होने के बाद हम वहाँ से ढनक गए नीचे। फिर दो कर्मचारी लोग आए तो हमको उठाए, हम बेहोश हो गए थे। वो लोग हमको उठा के बोले, बेटा तुम कहाँ की हो, कहाँ की रहने वाली हो? हमको घंटन उन लोगों ने बैठा रखा था। फिर हमने अपना बाबू का नाम लिया तो वो लोग आए हमको घर से ले गए। अच्छा, ये बताइए कि क्या जो है, क्या आप गरीब हैं इसलिए आपको क्या न्याय नहीं मिल पा रहा है? हमको लगता हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी जो है हमारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, किसी के साथ अगर गलत होता है तो उनके घर बुलडोजर चलवा देते हैं। हमें यही चाहिए मुख्यमंत्री से कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमें वो दोनों अपराधियों चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ गलत किए हैं। और उनके उनके घरों पर बुलडोजर चलना ठीक नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चले जो नहीं, वो लोग भी समझे कि बहन बेटी क्या होती है। आज आपके साथ किया, कल किसी और बहन की बेटी के साथ करेंगे? कल और किसी बहन बेटी के साथ करेंगे। फिर क्या प्रधान को नहीं चाहिए कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए? अच्छा, प्रधान जी मैं तो न्याय के पक्ष में है आपकी नहीं है? हमको नहीं लगता कि हमको न्याय मिलेगा। न्याय तो मिलेगा, मिलना चाहिए आपको, न्याय हमेशा पूर्ण तरीके से मिलेगा। हमें मिलना चाहिए और हमको लगता है वो हमको न्याय जरूर दिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री जी से आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं वो दोनों लोग को सख्त सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको घर वाले बुलडोजर चलने देने, वो लोग भी बहन बेटी की इज्जत करें। अच्छा, आपको लगता है कि न्याय आपको मिल जाएगा? बस हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमको न्याय चाहिए बस। ये जान लीजिए कि ये गरीब बेसहारा जो है बच्ची जो है तड़प तड़प के जो है अपनी आस लिए बैठी है कि एक दिन जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है और उनकी सरकार में जो है अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तड़प तड़प के घुट घुट के जो है ऐसे ही रह जाऊंगी। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और बहन बेटी के साथ होगा, ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। तो आइए हमारे साथ जो है इनके पिताजी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या हुआ था और किस प्रकार की ये घटना थी कि आपको जब ये पता चला तो आपके ऊपर क्या बीत रही, क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश कुमार गुप्ता है, लेकिन ये हमारी बच्ची है। हमारी बच्ची को ये लोग इतनी खराब मार दिए कि हम सहन नहीं कर पाए, और वहाँ से हम भाग कर आए। जब अपने घर आए तो हमारी बच्ची तड़प रही थी यहाँ पे। हम सरकारी अस्पतालों में गए तो सरकारी अस्पतालों वाले ने कहा कि थाने पर जाओ। थाने पर गए तो फिर वो बोले कि हमारे लेकर जाओ, सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो वहाँ से एक पुलिसकर्मी लेकर गया वहाँ पे, इसका मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद फिर यहाँ पर आए तो फिर इनका लिखा पढ़ी हुआ यहाँ पे थाने पे हुआ। उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोगों को भेज दिया यहाँ घर। हम ये चाहते हैं कि बाबा के सरकार में हम लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी को ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, घरों पर साफ कर देना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि किसी माँ बहन बेटी के ऊपर ऐसा अन्याय न होना चाहिए। अब जान लीजिए कि पिता जो है, देखिए इनके आंसू से जो आंसू निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ये चीज देखेंगे और ये इनको जो है न्याय दिलाने की जो है अपने उच्च अधिकारियों साला अधिकारियों से ये प्रयास करेंगे कि इनको न्याय मिले। और ऐसे प्रकृत के जो होते हैं उनके घरों बुलडोजर चलना चाहिए, उनको जो है फांसी होनी चाहिए ना? हाँ, होनी चाहिए। अच्छा, आज इनके साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे? हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, गांव के ही लोग थे कि और बाहरी? गांव के ही लोग थे। क्या वो दबंग किस्म के आदमी है क्या? नहीं, दबंग तो नहीं है सर, लेकिन हम लोगों को धमकाते रहते हैं, किसी तरह से परेशान करते रहते हैं। गरीब है ना, इसलिए परेशान कर रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, गरीबों का मसीहा तो माने जाते हैं मुख्यमंत्री जी? गरीबों का मसीहा तो माने जाते हैं, जब दंड दे तब तो हम जाने कि हाँ गरीबों के मसीहा है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो है जितने भी भूमाफिया और ऐसे आपराधिक थे जो अनेक प्रकार के कार्य करते थे, जिस विश्रोसी के काम करते थे, उनका कहीं ना कहीं खात्मा हो चुका है? हाँ, हो चुका है। तो अब इनको आपको न्याय मिल जाएगा लगता है? अब देखिए, न्याय मिल जाए तो बाबा की सरकार में बाबा की सरकार में हम यही चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा आपको? हाँ।
क्योंकि जान लीजिए कि ऐसे ही जो है हमारे ये इनके जो है बाबा जी हैं। मैं बाबा जी से पूछूंगा कि किस हालात में जो है बच्ची को लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था? ऐसा हुआ, हम वो आदमी और रहने वाले यहाँ पे आए सवेरे, ये बच्ची हमारी बताए कि तुम्हारे पिता या बापा का क्या नाम है, तो वो लोग बताए तो वहाँ से आए गाड़ी से बाइक से, तो हमको बताए यहाँ, तो हम उसको गए वहाँ देखे सर, तो रेल पटरी पे गिरी हुई थी और रोटी कैसे बेहोश हुई, किसका गोड़ तो हमें कुचल दिया गया था, तो उसके बाद हम लेकर घर से आए, उसके बाद ले गए हम डॉक्टर इसको। अच्छा, इनका पैर जो है कैसे कटा? अब एक कुचला हुआ पैर है, डॉक्टर बता रहा है एकदम पत्थर से कुचला हुआ पैर है इसका। अच्छा, पत्थर से मारने की कोशिश की है इनको? हाँ, बहुत मारे हैं, मतलब इसका हड्डी टूट गया है, हड्डी टूट गई है। हाँ, हड्डी टूट गई है, इसके पत्नी टूट गई है, कमर में पट्टी पूरी बनी हुई, बेल्ट बंधा हुआ है। अच्छा, मतलब इनको मारने का भी एकदम पूरी तरह से मार के फेंक दिया है, साइकिल मर गई है। हाँ, हमारी टिकट बच गई है। आयु मिलेगा, गरीबों को क्या न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है? हम उसको चाहते हैं कि वो कड़ी से कड़ी सजा पाए और फांसी फंदे पर लटक जाए। अच्छा, हाँ, और उसको घर पे बुलडोजर फेंका जाए। अच्छा, ये बताइए कहीं ना कहीं लगता है कि जो है ऐसे जो अपराधी होते हैं, जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं, क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। तो अभी अभी क्या बाहर है क्या ये सब? अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम 20 तारीख की सब घटना हुई तो हम सुना तो आए अपने भतीजे के, हम अपने भतीजे की छोट से 6 महीना कर रहे हैं, तबे से पाले पोसे, हमके भतीजे को बहुत कष्ट हो रहा है। मतलब कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ? हाँ, बहुत गलत हुआ हमारे भतीजे के साथ। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हैं आप लोग? हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं कौन न्याय दिलाए, ऐसे जो लोग हैं उनको क्या होनी चाहिए? उनको बुलडोजर चलना चाहिए, उन लड़कों को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग जो है अभी पकड़े गए हैं? कितने लोग अभी? एक जने पकड़ा गया है, एक लड़का, एक लड़का नहीं पकड़ा। अच्छा, क्या परिवार के उनके लोग क्या कहते थे जब ये ऐसा काम किए हैं, तो उनके आप शिकायत लेके गई होंगी, तो क्या बोले थे? शिकायत लेते हम नहीं गए उसके पास, वो भाई गलती कर रहे हैं तो शिकायत हम लेकर कहां जाए। अब तो धमकियां भी देते होंगे कि हमारे लड़के को धमकी दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? मारेंगे फिर किसको मारेंगे? सब लोगों को, हमारे भतीजे के साथ ये सब गलत हुआ तो भतीजों को हमारे जिंदा नहीं छाड़ेंगे कह रहे हैं, और घर वालों को नहीं छाड़ेंगे। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे? मतलब अच्छा कह रहे हैं वो, धमकियां दे रहे हैं। तो जान लीजिए कहीं ना कहीं जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है अपराधी तो खत्म हो गए हैं, मगर कुछ अपराधी जो है अभी इस हद तक जा सकते हैं कि बहन बेटियों की जो है दुष्कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको छेड़खानी कर रहे हैं, मगर ऐसे अपराधियों पे जो है बाबा का बुलडोजर हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि आज इनको इस गरीब को न्याय नहीं मिल पाएगा तो दर दर की ठोकरें खाती रह जाएंगी। मगर प्रयागराज में जो है ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है, मगर कुछ आला अधिकारी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि विधिक जांच करके जो है और उनके ऊपर जो है ऐसे मुकदमे लाद दिए जाएं और इनको ऐसी फांसी की सजा सुनाई जाए कि आने वाले समय में किसी बहन बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने से 10 बार सोचे। तो इसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं सुल कुमार, धन्यवाद।